Good morning, students. Today we are taking next part, that is a respiration. You know all about this, but just taking revision here. The process of releasing energy from the food is called respiration. Food से जो energy हमें मिलती है उसको ही मतलब वही एक food जो है हमारा fuel है, इससे हमें energy मिलती है. ठीक है, ये सब ये reaction सबको पता है. फूड प्लस ऑक्सीडेशन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. हाउ मेनी एनर्जी इज देयर? 38 एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एटीपी? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. ओके, दिस इज द ब्रीदिंग and respiration is the essential for life because it provide energy for carrying out all life processes. All life processes are carried out with the help of this energy which we get from food. Okay, food, glucose plus oxygen, then we will get, they react in the cell and we'll get energy. Okay, then the main purpose of the respiration is the release of energy from the oxidation of simple food molecules like glucose. Glucose जो food है उसको क्या करता है, oxidize होता है cell के अंदर, और oxidation के बाद, oxidize होने के बाद हमें क्या मिलता है, energy मिलती है. चलो, ADP is the substance called adenosine diphosphate. Okay, and then ATP is the adenosine triphosphate. Okay, long form याद रखना है. The energy released during the respiration is to make the molecule form from the ATP and inorganic phosphate. This phosphate as follows: ADP combined, okay, with organic phosphate by absorbing the energy releasing during the respiration to form the ATP molecule. Okay, जो ATP form होता है body के अंदर वो क्या होता है, ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहता है, तो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज जो है बॉडी की इंटरनल जो भी एक्टिविटीज उसके लिए वो एनर्जी यूज की जाती है. ठीक है, देयर आर दो टाइप का, एक होता है एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग, उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग, एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अब दोनों को दोनों आपको पता है. ओके, जो एनर्जी है वो एटीपी में, एटीपी के फॉर्म में स्टोर की जाती है हमारे बॉडी में. ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशन के लिए भैया कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि ग्लूकोज इज इट इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड, बराबर है. तो सिक्स, जब ये पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है, साइटोप्लाज्म में. ओके, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है, तो सिक्स कार्बन एटम जो है उससे क्या बनते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड, टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूविक एसिड. ठीक है, तो याद रखना है पाइरूविक एसिड का फार्मूला याद देना, CH3COOH प्लस सॉरी डबल बॉन्ड O. इट इज अ कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड. पाइरूविक एसिड इज हियर थ्री कार्बन एटम कंपाउंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाइरूवेट. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक एंड सेकेंड वन इज एंड एरोबिक एंड एनारोबिक. तो एरोबिक में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी respiration carried out with the help of oxygen, and without oxygen anaerobic. So anaerobic jo react respiration wo kahan hota hai, wo kaun se cell karte hai ya kaun se animal karte hai, yeast cell karte hai aur kuch bacteria bhi karte hai, jaise ki humne wo dental caries ka dekha ki nahi, bacteria kya karte hai, kya form karte hai, acid form karwate hai. Okay, is it right? Aur jo फंगस है, क्या नाम है उसका, ईस्ट. ओके, वो ईस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें क्या फॉर्म होता है,
इथेनॉल, क्या फॉर्म होता है इथेनॉल, याद रखना है थोड़ा सा, बस लेस CO2 भी फॉर्म होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे हमें मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन। ओके, ये सब ये जो रिएक्शन है सबको पता होनी चाहिए, लिख लेना। ग्लूकोज उसका ग्लाइकोलिसिस होता है और पाइरूवेट फॉर्म होता है, और पाइरूवेट जो है वहाँ पे क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्रेब साइकिल से हमें मिलता है 6 CO2, 6 H2O and 38 ATP। कितने ATP है? 38 ATP हमें वहाँ पे मिलते हैं, वो नंबर याद रखना है थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन से, ओके, इन द सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, जिस तरह से पावर हाउस हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक, उसी तरह से ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, और कुछ जो है एनएरोबिक भी करते हैं। तो एनएरोबिक में क्या होता है? तो वहां पे अल्कोहल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? अल्कोहल। सेम प्रोसेस होती है, ग्लूकोज उसका ग्लाइकोलिसिस पाइरूवेट फॉर्म होता है, और जो पाइरूवेट फॉर्म होता है पाइरूवेट के बाद वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है? एक अल्कोहल वहां पे फॉर्म होता है, और सिर्फ 2 ATP एनर्जी वहां पे फॉर्म होती है, 2 ATP एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यूजिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द यीस्ट सेल। अब एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ओके, यीस्ट जो है बाजार से खरीद कर लाना है और उसमें शक्कर डालना है, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड। ओके, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पाइरूवेट, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म हो रहा है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो तीनों बातें हमको याद रखनी है। लैक्टिक एसिड कहाँ पे फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड हमारे जो मसल सेल जो है वहाँ पे वो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसके कारण हमें क्या आता है? क्रैम्प्स आते हैं, और फिर क्रैम्प्स के लिए हम क्या करते हैं? उसको गर्म पानी से क्या करते हैं? उसको शेक देते हैं, बराबर है? मसाज नहीं करते, सेकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड फैल जाता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। तो तीन बातें क्या क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP फॉर्म होती है। इन एरोबिक में दो बातें याद रखना है, जो ईस्ट करता है, ईस्ट अगर करता है तो क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल इथेनॉल फॉर्म होगा। अगर ये मसल सेल करते हैं तो लैक्टिक एसिड वहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, पहली जो स्टेज है ये कहाँ पे हो रही है? ग्लाइकोलिसिस की पहली स्टेज पाइरूवेट फॉर्म होने तक साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मसल क्रैम्प की है, वी गेट रिलीफ क्रैम्प्स इन द मसल कॉज बाय द हेवी एक्सरसाइज, ओके, बाय टेकिंग द हॉट वाटर बाथ। तो उससे वो इलेक्ट्रिक एसिड क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल दिए। सिमिलर बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट बोथ केस एनर्जी इज प्रोड्यूस। दोनों केस में क्या सेम है? तो एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन दिया है, ठीक है, याद रहेगा, सबको पता है। रेस्पिरेशन इन द प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन द एनिमल इन द थ्री रिस्पेक्ट्स। कौन कौन से है? पहला क्या है? ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट स्टेम लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ऑन द अदर हैंड एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट। कौन रेस्पिरेशन कर रहा है? सेल ही कर रहा है। यहाँ पे सब पार्ट जो है वो यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन द प्लांट देर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेज आर यूजली ट्रांसपोर्टेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इन साइड एन एनिमल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। प्लांट में क्या होता है? ज़्यादा ये नहीं होता। क्या नहीं होता है? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता गैसेस का। वहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डायरेक्टली क्या होता है? डिफ्यूजन। लेकिन एनिमल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन। द रेस्पिरेशन इन द प्लांट ऑकर एज अ
slow rate. Other hand, the respiration in the plant animal occurs at a much faster rate. Why? थर्ड पॉइंट का रीजन बताओ. थर्ड पॉइंट जो है उसका रीजन बताओ. प्लांट को ज्यादा कम रेस्पिरेशन रेट उसका कम होता है, स्लो होता है, हमारा ज्यादा होता है, एनिमल का ज्यादा. क्या रीजन है? कितना सिंपल बात, हमें एनर्जी ज्यादा लगती है, उसको एनर्जी कम लगती है. मतलब समझ में आ रहा है ना, प्लांट को ज्यादा मूवमेंट नहीं रहता है. ओके, ज्यादा इंटरनल प्रोसेस नहीं रहते. जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारा है उतना कॉम्प्लेक्स बॉडी उनका नहीं रहता है, तो हमें ज्यादा ये लगता है एनर्जी. ये देखो, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन. हर एक सेल डिफ्यूज करती है. रेस्पिरेशन इन द रूट्स दिया है, वहां पे पार्टिकल्स जो एयर रहती है सॉइल में उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता बाय द डिफ्यूजन. रेस्पिरेशन इन द स्टेम, स्टेम में क्या होता है, वुडी स्टेम में क्या क्या होता है जिससे वो ये करते हैं. वुडी स्टेम में तो स्टोमेटा नहीं होता. प्लांट में जो है वो स्टोमेटा, लीफ में जो है वो क्या होता है, स्टोमेटा है. लेकिन प्लांट में क्या होता है, सॉरी वुड में क्या होता है, अगर वुडी स्टेम है तो क्या रहेगा उसमें, किस कहाँ से वो ये करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, नहीं पता है. लेंटिसेल्स पता है हुँ? देखो जो प्लांट जिस तरह से लीफ है, लीफ के ऊपर क्या रहते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं, टाइनी स्पोर्स, उसको क्या कहते हैं हम, स्टोमेट. वैसे ही ये जो है ये जो प्लांट का वुड वुड जो रहता है या वुड स्टेम रहता है उसमें क्या रहते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम हैज अ लेंटिसेल्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज. क्या रहता है, लेंटिकल्स. ये वर्ड जो है याद रखना, वुड स्टेम में. ओके, हाँ, रेस्पिरेशन इन द लीव्स तो आप तो सबको पता ही है कि कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है. कब होता है, डे टाइम में होता है. ओके, तो रात में क्या होता है, स्टोमेटो क्लोज हो जाते हैं. ओके, इसमें कोई डाउट है? बस इतना ही, जो बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ये जो पांच बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बस ये भी अगर याद रखे तो बहुत हो गया आपको. ठीक है, क्या होता है, सिंपल सेल्यूलर एनिमल जो रहते हैं, जैसे लाइफ सिंगल यूनिसेल्यूलर एनिमल जो है वो किससे करते हैं, पूरी सेल ही क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है बाय द डिफ्यूजन. किससे होता है, डिफ्यूजन से वो सिंपल सेल अपना ये करती है. मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ फर्दर, लेकिन बाकी जो ये है एनिमल्स से यूनिसेलर को छोड़ के बाकी सभी को क्या है, अपने अपने ऑर्गन्स. जैसे कि जो अर्थवर्म है वो किससे करता है, स्किन से करता है. देन एक्वेटिक एनिमल गिल्स से करता है. और जो इंसेक्ट्स है ग्रास ऊपर लाइक, उनको क्या रहता है, स्पिरेकल्स रहते हैं. एंड द रेस्पिरेशन उनको क्या रहता है, नॉस्ट्रिल्स रहते हैं. नॉस्ट्रिल के थ्रू वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं. ये पांच बातें में स्किन, ओके, टाइनी होल्स रहते हैं जो स्पिरेकल जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, टाइनी स्पोर रहते हैं. स्पोर्स किसके ऊपर, ये जो ग्रास ऊपर वगैरह उनके बॉडी के ऊपर. ओके, ठीक है. और ये दिया है कि ब्रीदिंग रेट ऑफ इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल. क्या रीजन हो सकता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो क्वांटिटी, ओके, इन द वाटर. ओके, चलो, स्पैरिंगली डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन, तो उसका रेट कैसे रहेगा, फास्ट रहेगा रेस्पिरेशन रेट. आपने देखा होगा ना, फिश कंटिन्यूअसली पानी क्या करती है, सक कर लेती है बॉडी के अंदर, वही रीजन होता है रेस्पिरेशन इन अमीबा. वही बात में, यही सब बातें पूरे डिटेल्स में यहाँ पे दी है, तो हमें याद रखना कि वो सिर्फ डिफ्यूजन से अब गैस एक्सचेंज करता है. डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस. क्या कारण है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज सो बिग दैट ऑक्सीजन कैनॉट डिफ्यूज इन टू ऑल सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली. डिफ्यूजन कर सकते हैं क्या हम,
नहीं कर सकते, इतना इतना वो जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना हमारी बॉडी वो नहीं कर पाएगी। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है वो क्या कर लेते हैं, डिफ्यूजन से अपना रेस्पिरेशन कर लेते, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बॉडी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। उसके लिए क्या, हर एक सेल के पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होता है फिर, तो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। तो क्या होता है, कौन से पिगमेंट करते हैं, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ये सभी को पता है। अर्थवर्म का दिया डिटेल, अर्थवर्म स्किन के थ्रू डिफ्यूज करता है और फिश गिल्स के थ्रू करते हैं। ओके, अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। चलो, कौन कौन से पार्ट है रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है बेटा, नोज है, देन ट्रकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड सबसे लास्ट में क्या है, अल्वियोला। क्या है, इज अ साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। अल्वियोला पता ना, कोई अल्वियोली बोलता है अल्वियोला। ब्रीथ मीन्स व्हाट, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, ये तो समझो हमने देख लिया। कितना ब्रीदिंग रेट होता है नॉर्मल ह्यूमन का, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट नहीं बात कर रहा, पल्स रेट इज डिफरेंट, ब्रीदिंग रेट इज डिफरेंट, नहीं पता है। 20 ब्रीथ पर मिनट, सेकेंड में पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं हम, मतलब ब्रीदिंग करते हैं 20 टाइम्स। वहां पे जो ब्रीदिंग के लिए हेल्प कौन करता है, डायफ्राम करता है। ओके, यहाँ पे दिया, जब डायफ्राम डाउनवर्ड होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, एयर कहाँ आएगी, इनसाइड आएगी। जब डायफ्राम रिलैक्स्ड होगा तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा और एयर एक्सहेल हो जाएगी, कंटिन्यूस मूवमेंट उसकी चालू रहती। ये पूरी डिटेल यहाँ पे दी है। ओके, मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, नॉस्ट्रिल है, ये सब चीज़ें आपको पता है, इसमें नया कुछ बताने जैसा नहीं है। क्या जिसको किसको पता नहीं वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये बात पता नहीं, फिर भी हम सिर्फ ओवरलुक कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। जिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है ब्लड में, ओके, जब ब्लड ये जो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अल्वियोलाय में जाता है, वहाँ भी क्या होता है, फिर डिफ्यूजन होता है। अल्वियोलाय सबसे लास्ट पार्टिकल जो ग्रेप्स लाइक दिखते हैं ना, ओके, अब कैसा डिटेक्ट करें कि हम एक्सेल जो करते हैं, कौन सा गैस एक्सेल करते हैं, CO2। तो वो टेस्ट कैसे करेंगे, हम बराबर उसमें हम जो एक्सेल कर रहे हैं एयर, उसमें क्या निकल रहा है, CO2, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर टेस्ट पता है ना क्या होता है, इफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट विल बिकम मिल्की, बस वही करना है। उससे वो टेस्ट से हमें समझ जाएगा कि हम क्या कौन सा गैस एक्सेल कर रहे हैं। हाँ, ब्रीदिंग रेट यहाँ पे 15-18 टाइम्स दिया है, लेकिन 20 नॉर्मल रहता है। अब हर एक का अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स 20 होगा। बच्चों का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा रहता है, बूढ़ों का ज़्यादा रहता है, नॉर्मल अडल्ट पेशेंट का कम, मतलब अडल्ट जो है पर्सन का कम रहता है। रैपिड ब्रीदिंग सप्लाई द मोर ऑक्सीजन, ओके, टू बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम सबको पता है फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भागते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा,
ये जो हमने वो जो पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पॉइजनस होता है, क्या होता है, पॉइजनस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विद हीमोग्लोबिन ओके एंड इन द ब्लड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके कारण हमारी डेथ होती है क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ बाइंड हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो पॉइजनस है। ब्रीदिंग से रिलेटेड था इसलिए उन्होंने क्वेश्चन आंसर से। अब देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन, सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी द एसेंशियल सब्सटेंस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। की बात की है तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में भी ऐसी एक सिस्टम होती है जिसके थ्रू हम क्या जो रिक्वायरमेंट है हर एक सेल की, तो सेल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो फूड, दूसरा ऑक्सीजन। ओके, लिविंग थिंग में क्या लगेगा, फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए सिस्टम होता है बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ प्रोसेस, एक लाइफ प्रोसेस है जिसके क्या होता है, सब्सटेंस अब्सॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में और ब्लड के थ्रू सब बॉडी में उसको सप्लाई किया जाता है। जैसे हम ट्रक के थ्रू जैसे करते कि नहीं, गुड्स जैसे सप्लाई करते, वैसी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी में होती है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स अगर देखेंगे तो उसमें दो पार्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, रूट प्रेशर, क्या है रूट प्रेशर, जो वाटर एंड मिनरल्स क्या करना है हमको प्लांट के हर एक पार्ट में सप्लाई करना है, क्या है, रूट प्रेशर। एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपिरेशन पुल, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर टू द प्लांट थ्रू द लीव बाय इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, जब प्लांट के आप नीचे जाते तो हमें कैसा महसूस होता है, एकदम ठंडा ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूस क्या करते रहता है, ये ऑपरेशन होता रहता है वाटर का, तो उससे एक ट्रांसपिरेशन पुल, वहाँ पुल फॉर्म होता है जिसके कारण रूट क्या करते हैं, वाटर रूट से क्या होता है, पानी ऊपर खींचा जाता है, कहाँ पे, प्लांट के टिप तक या फिर लीफ तक। ओके, समझ में आ रहा है। रूट प्रेशर जब प्लांट इसके जब प्लांट सॉइल के अंदर होता है तो जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, एक पुल फॉर्म करता है, वहाँ पे एक ऑस्मोसिस होता है जिसके कारण वाटर क्या होता है, एक सेल में चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ये होने के कारण, और वाटर जाने से उस सेल टर्जिड होती है और वो नेक्स्ट एडजेसेंट सेल पे क्या करती है, प्रेशर बनाती है दूसरे सेल पे, फिर वो अब्सॉर्ब कर लेती है वाटर, वो टर्जिड हो जाती है, ऐसा करते करते कंटिन्यूस वाटर क्या हो जाता है, ऊपर तक पहुंच जाता है। ओके, कैपिलरी एक्शन से दो बातें, ट्रांसपिरेशन पुल एंड अनदर वन इज रूट प्रेशर। अब जो टिश्यूज है या फिर जो वेसल्स है वो कौन कौन से है, जाइलम वेसल है जिसके कारण जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, वेंस होती है, जैसे प्लांट की वेंस कौन सी है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करती है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन करती है, और फ्लोएम क्या करेंगी, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी। जाइलम या ऐसे पोर्स होते हैं जो डायग्राम में दिखा है जिसके थ्रू वाटर ये होता है, और ये रूट प्रेशर का दिया है एग्जांपल, कैपिलरी एक्शन से वाटर ऊपर जाता है, द प्रेशर मतलब रूट के टिप पे प्रेशर आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्लोएम से होता है, फ्लोएम कंटेंस सीव ट्यूब्स होती है उसमें, जाइलम वेसल्स, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मेनली मेनी सेल्स जॉइंट एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। देखो
एक बात याद रखनी है कि जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है। जाइलम क्या करता है? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम अप एंड डाउन, हर एक डायरेक्शन में फूड लेकर ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि सब भी चीज़ को, रूट को भी चाहिए फूड और टिप को भी चाहिए, तो सबको फूड चाहिए तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? अब ह्यूमन की ये तो समझ में आ गया ना। आपने ये देखा है क्या कभी, ब्लड काउंट देखा है? ब्लड काउंट मतलब ब्लड रिपोर्ट देखा है? देखा है क्या? उस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार CBSE के क्वेश्चन पेपर में, जब 10th में पूछे गए। तो ब्लड में क्या क्या होता है? RBC, WBC और कुछ क्या होता है? हाँ, प्लेटलेट्स होते हैं, हाँ, प्लाज्मा होता है। तो ये सब बातें हमें याद रखना, ठीक है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, मेन कंपोनेंट है। बाकी बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इजिनोफिल्स होते हैं, ठीक है, मेसोफिल्स होते हैं। ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है पता है ना? ब्लड एक टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। ओके, ब्लड इज अ लिक्विड, फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, सबके बारे में यहाँ पे डिटेल यहाँ पे बोला है। तो वही बातें बार बार दोहराते, दूसरा कुछ नहीं। हमें मेन बात याद रखना है कि ब्लड में क्या होता है। ब्लड के फंक्शंस क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, ब्रीथ आउट करना, ब्रीथ इन करना, याद रखना। देन डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना, हार्मोन्स को कैरी करना, ओके, जो यूरिया है एंड यूरिया जो लीवर में प्रोड्यूस होता है उसको ब्लड क्या करता है? फिल्टर करके हम उसको एक्सक्रीट करते हैं। देन ब्लड प्रोटेक्शन का काम करता है, वाइट ब्लड सेल जो है वो प्रोटेक्शन के काम करते हैं, और ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ब्लड बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट्स करता है। बॉडी टेम्परेचर याद रखना कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? तो कौन करवाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? आर्टरीज, वेन, कैपिलरी। ओके, आर्टरीज क्या काम? आर्टरीज किसको कहते हैं? जो ब्लड को क्या कर लेते हैं, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको क्या कहेंगे? आर्टरीज। और जो ब्लड इधर आता है, हार्ट में आता है, उनको क्या कहेंगे? वेन्स। ओके, तो यहाँ पे एक ही बात याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ओके, हम क्या सोचते हैं कि आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली आर्टरी, और वेन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो वेन होती है, कहाँ से कनेक्ट होती है? लंग्स टू हार्ट। तो वो क्या कर लेती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और पल्मोनरी वेन आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, कहाँ से? हार्ट टू लंग्स लेकर जाती है। ये दो बातें याद रखना सिर्फ यहाँ पे, वही एक इम्पॉर्टेंट है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये सभी बातें आपको, ये डबल सर्कुलेशन उसको कहा जाता है, दो बार ब्लड कहाँ पे आता है? हार्ट्स में आता है, उसके पार्ट्स पता है ना? हाँ, आर्टरीज कहाँ पे होती है? सुपरफेशियल जो है वो क्या है? वेन है। आर्टरीज कहाँ पे होती है? डीप होती है। वेन्स को क्या होते हैं? वॉल होते हैं। आर्टरीज को वॉल नहीं होते, और उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थिक होती है आर्टरीज की, और डीप रहती है बॉडी के अंदर। हार्ट का प्रेशर कितना है? ब्लड प्रेशर, सॉरी हार्ट का नहीं, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80/80 mmHg नॉर्मल। ओके, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। किससे काउंट किया जाता है ब्लड प्रेशर? स्पिग्मोमैनोमीटर, ये वर्ड याद रखो। ब्लड प्रेशर काउंट के लिए डॉक्टर जो हमारा BP चेक करते हैं वो किससे करते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर। ये सब पता होगा ना आपको, किस तरीके से ब्लड ये जाता है बॉडी, हार्ट, लंग्स। ओके, ये फ्लो डायग्राम सबको पता होना चाहिए।
डबल सर्कुलेशन की बात की है। हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट कितने है अपने, अब ये 72, ओके 72 नॉर्मल हार्ट बीट से अपने। जो स्मॉल ये बेबीज रहते हैं उनका हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, और बूढ़ो जो अडल्ट मतलब जो ओल्ड पेशेंट ओल्ड पर्सन है उनका भी हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, 70 to 72 पर मिनट। ब्लड प्रेशर तो पता होगा ना, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, उसमें होता है मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी अरोटा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब हार्ट का जब सिस्टोलिक होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लब दब साउंड आता है ना, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, और वो कितना आता है 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब ब्लड उसके अंदर आता है उसको क्या कहेंगे हम, डायस्टोल, वो होता है 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर। या हाइपरटेंशन पता है आपको, 140/90 से अगर ज्यादा होता है प्रेशर उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा हमको पता है जो कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है। क्या होता है, आर्टरीज ब्लॉक होती है, और आर्टरीज ब्लॉक होने के कारण ये हाफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजरिंग बाय द स्पिगोमैनोमीटर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये पता है हमको, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम कभी आपने महसूस किया है, जब आपको ये फीवर जब होता है तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ क्या हो जाता है, उसे उसका साइज बढ़ जाता है, जब आपको हाई फीवर या हाई इन्फेक्शन जब होता है तब वो इंडिकेट करता है कि आपको क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी में फैला हुआ। तो एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ अ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल या लिम्फेटिक्स एंड द लिम्फ नोड और ग्लैंड्स रहते हैं इन द बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ कैपिलरीज उसमें होती है, लार्जर लिम्फ्स होते हैं, ओके लिम्फ नोड्स होते हैं, एंड लिम्फ जो फ्लूइड है वो होता है। तो लिम्फ स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कंटेन करता है जिसको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, विच हेल्प्स इन द फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिसीज। समझ में आया, लिम्फोसाइट्स याद रखना है। उसके जो है ना ये क्या फंक्शन है, ओके लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है, प्रोसेस है वो एक बॉडी की, जैसे कि एक लार्ज प्रोटीन जो रहता है बॉडी से वो सीक्रेट होता है, वहाँ कहाँ जमा हो जाता है, लिम्फ में जमा हो जाता है जिसके, और वो फिर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है जिसके कारण बॉडी क्या करती है, उसकी फाइटिंग ये कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लिम्फेटिक हेल्प्स इन द रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी होता है, जैसे कि जो लार्ज डेड सेल है उसको भी रिमूव करता है, ठीक है। और जो एक्सक्रीशन है बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमारा क्या रहेगा, एक्सक्रीशन एंड बता देता हूँ, अगर क्लास नहीं हुआ अभी हमारा नेक्स्ट, तो एक्सक्रीशन में क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या है, नेफ्रॉन, क्या है, नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ लेना, उसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, अगर कल अगर टाइम मिलता है तो फिर कल मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है, थैंक यू। Thank you.